it's beauty with Piashek, back again with another video. I'm almost ready for... kya nahi lag rahi ho tayar acha makeup kar lo okay to main to makeup aap log ke sath karne wali thi isliye main puri ready hokar aap log ke samne baithi hu aur ab main makeup karne wali hu wo ekdam fatafat wala aur ha तो अब मैं आप लोगों के साथ मेकअप करने वाली हूँ. सो या एकदम सिंपल और एकदम प्यारा सा लुक देने वाली हूँ और बहुत ही क्यूट लगने वाली हूँ. आई थिंक आई शुड अप्लाई दिस मेबेलिन फाउंडेशन. अब भी मैंने फेस वॉश किया था, मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया है और अब मैं अपने फेस में फिट मी का मेबेलिन फिट मी कंसीलर 25 मीडियम अप्लाई करने वाली हूँ. सी आई एम नॉट गोइंग टू डू हैवी मेकअप, मैं बहुत प्यारा सा मेकअप करने वाली हूँ. मुझे ये अप्लाई करने के लिए बहुत इजी और मस्त लगता है. सामने मिरर नहीं है मेरे पास क्योंकि मैं ऐसा मेकअप इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इसके बाद ड्रेस चेंज करने वाली हूँ. सिर्फ एक गेट रेडी विथ मी के लिए मैंने मैं इसको हैवी तो नहीं बोल सकते बट हाँ मेरे लिए हैवी क्योंकि मैं इसको कैरी नहीं कर सक रही हूँ. तो इतना चुन्नी उन्नी आई कांट मैनेज और खोल क्यों नहीं आता है. अगर आप ट्रेडिशनल वेयर करते हो तो ये लुक बहुत ही अच्छा लगेगा. अगर आपके पास नई ड्रेस आपने अगर परचेज नहीं की है तो आप एक ब्लैक कुर्ता उठा लो और ब्लैक कुर्ते के बाद आप उसमें कोई भी मल्टी कलर चुन्नी दुपट्टा रख लो पुचकू पुचकू से. दिस इज़ ब्यूटी ब्लेंडर और मैंने अभी मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन लगाया था और उसमें कंसीलर लगाया था 25 मीडियम शेड नंबर मुझे बाद में इसके बाद मैं वेस्टर्न वेयर करने वाली हूँ इसलिए मैं कुछ क्यूट सा मेकअप करने वाली हूँ. ओके यू कैन सी माय लिपिंग और इट्स नाइस नाउ. यहाँ पे काम कर लो, पियाशेक लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली घंटी बजा दो ताकि जब भी मैं वो वाला वीडियो अपलोड करूँ ना तो आप लोग को पता चल जाए मैंने आज अपर लिप्स नहीं किया हुआ है. बट या मैं शाम को अपर लिप्स कर लूँगी क्योंकि आई एम गोइंग टू मीट समवन टुमारो कि मैं 16 को किसी से मिलने वाली हूँ. यू कैन सी मी कितना खुश हूँ. किसे मिलने वाली हूँ पता, मिस्टर बजाज. जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है ना मैं वैसा ही मेकअप करने वाली हूँ. इज डन और अब हम लगाने वाले हैं अगेन टू माय नेक. ठीक, ब्लेंडिंग का जो पार्ट है वो आप बहुत ही अच्छे से कर लो. मुझे मेरे मार्क्स हाइड करने हैं जो कि बहुत सारे हैं. Yeah, this is from makeup studio professional makeup face 8 और शेड नंबर था पेल येलो. सॉरी यार मैं पुराने वीडियोज़ में आप लोगों को किसी का भी शेड नंबर नहीं बताई हूँ और उसके लिए फिर मुझे मैसेज आए थे पर्सनली कि ये कौन सा शेड है और मुझसे थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती है. नया ना मैं भी. अब हम क्या अप्लाई करने वाले हैं, पाउडर नहीं. आई एम नॉट गोइंग टू बेक दिस. ओके ये ऐसे ही रहेगा. अब जस्ट मैं अब हाइलाइटर अप्लाई करूँगा पहले. नहीं, नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई ब्लशर. वेरी लाइट, वेरी ब्राइट, वेरी पिंक, वेरी क्यूट. This blusher is from p.a.c. pack shade number 018.
Now I'm going to apply powder, yeah, which is from the ye ham RCO ka powder. Isko oopsie, isko main isme se apply kar rahi hu, usme se wo zyada aa jayega. Ye thoda sa glowing hai mera pura. यार ये इसको ऐसे ही रहने बोला था मैंने, फैंसी टाइप का वीडियो में अच्छा लगेगा करके, पर ये तो एकदम मिल रहा है बार बार. हम एकदम थोड़ा सा लेंगे और पूरे फेस में अप्लाई करेंगे जिससे मेरा फेस पूरा ग्लो करेगा और शाइन करेगा. मुझे इसका शेड नंबर नहीं पता है बट RCO का प्रोडक्ट है. मैं सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोडक्ट के नेम वगैरह लिख दूंगी अगर मैं कुछ बताना भूल जाती हूँ तो. सो मस्ट चेक आउट दैट डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ काजल. या दिस इज माय काजल विच इज फ्रॉम फेसेस. ये मैं पढ़ने वाली हूँ इंटेंस जेल काजल अल्टाइन प्रो. मैंने एकदम कॉर्नर में लगाया यहाँ पर, इसको फिर स्मच कर दिया. क्या बोलती जनता, ट्रेडिशनल लुक के हिसाब से ये सही है. अब बस लगाएंगे मस्कारा. इसको मस्कारा बोलते हैं कि मस्कारा बोलते हैं, प्लीज कोई बता दो अगर किसी को पता है तो. उसे मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बता. आई एम नॉट गोइंग टू पुट लॉट ऑफ मस्कारा. आप इसमें लैशेस भी लगा सकते हो. अब मैं एकदम लाइट शेड की लिपस्टिक लगाने वाली हूँ. क्या मैं ये लगाऊँ? ओके तो जी हाँ, मेरा मेकअप हो चुका है. और अगर आपको ये मेकअप पसंद आया तो आप ये वीडियो लाइक कर दो, और अगर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया तो शेयर कर दो. और क्या बताऊँ, कमेंट कर दो कोई डाउट है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो. अपने फ्रेंड्स को भी बोल दो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और बाजू वाली घंटी भी बजा दो ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आप लोग को पता चल जाए. ओके बाय.